नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ये आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक के ऊपर क्रैक है और ये पब्लिक के लिए खुला हुआ है। अगर यहाँ हादसा हो जाए, कुछ बड़ा हादसा हो जाए कभी, तो उसका जिम्मेदार कौन? ये देखिए, इसका क्रैक आपको साफ दिखाई दे रहा है और ये तालाब जो है पूरा का पूरा, ये कहा जाए कि अपनी दुर्दशा पे रो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं नाला सपारा के आचोले तालाब पर। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत कई तालाब हैं, उनमें बड़े तालाबों में एक तालाब है आचोले तालाब। कहीं प्रसंग में ये तालाब इस्तेमाल होता है, यहाँ एक गार्डन है, हर रोज़ सुबह शाम पब्लिक यहाँ पर वॉकिंग करती है, व्यायाम करती है। उसके अलावा हर त्यौहार, फिर चाहे गणपति हो, चाहे आने वाली छठ पूजा हो, उसमें यहाँ पूजा पाठ की जाती है। और सबसे अहम बात कि इतना सब इस्तेमाल होने के बाद में इसका रख रखाव कैसा है, उसकी कंडीशन मैं आपको भी दिखाऊंगा, उसका सीधा लाइव तस्वीर आपको दिखाऊंगा। वसई विरार महानगर पालिका में तालाब सुशोभीकरण के नाम पर करोड़ों का बजट आवंटित होता है, हर साल तालाब सुशोभीकरण होते हैं, लेकिन यहाँ के तालाब की हालत कैसी आप देखिए। ये इस समय हम सबसे पहले रेलिंग दिखा रहे हैं, ये रेलिंग है यहाँ पे लगी हुई है। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर रेलिंग आपको नहीं दिखाई देगी, क्यों? उसके पीछे का कारण ये देखिए, ये रेलिंग यहाँ से टूट चुकी है, पूरी रेलिंग यहाँ से टूट चुकी है और ये यहाँ इस जगह पे ये क्रैक है, आप देख सकते हैं। ये जो क्रैक है, आने वाले समय में भी ये भी इशारा दे रहा है कि ये भी टूटने वाला है। अब जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस तालाब को बनाया, उसने इसकी कितने साल की गारंटी ली थी या क्या था, वो महानगर पालिका में पूछना पड़ेगा, महानगर पालिका में इसका सवाल करना पड़ेगा। महानगर पालिका बांधकाम विभाग जो है, वो किस तरह से इसका रख रखाव, और सबसे बड़ी चीज ये, सबसे बड़ी बात यह है कि महानगर पालिका कार्यालय पीछे ही है, आचोले विभाग, यानी कि दिया तले अंधेरा, दिए के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। तो यहाँ महानगर पालिका का कार्यालय है, यहाँ ये रेलिंग आप अंदर पड़ी हुई देख सकते हैं, पानी के अंदर गिरी और रेलिंग टूटकर पानी के अंदर जा चुकी है। ये यहाँ का हालात है। वसई विरार महानगर पालिका आम जनता के करोड़ों, बल्कि हजारों करोड़ को कहाँ डालती है, यह सवाल बड़ा है। सिर्फ ये रेलिंग का ही और ये तालाब के टूटने का ही नहीं, हम आपको और भी कुछ दिखाते हैं। यह वसई विरार महानगर पालिका की बैठने की जो चेयर होती है, वो किस तरह से यहाँ टूटी हुई है, यहाँ रखी गई है। ये देखिए, वसई विरार महानगर पालिका का कारोबार आप अपनी आंखों से देखिए। इसके अलावा ये देखिए आप, ये यहाँ पे बंद किया गया है, शायद ये इसीलिए बंद किया गया है कि ये रेलिंग टूट चुकी जो हमने अभी आपको दिखाई, इसके लिए यहाँ एक गेट मारकर बंद किया है। अब वसई विरार महानगर पालिका में पैसों की बर्बादी का ये नमूना भी आप देखिए। इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक पोल है, इस इलेक्ट्रिक पोल को यहाँ इस तरह से डाला गया है, यानी हर चीज में लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की बर्बादी। इलेक्ट्रिक पोल जब खरीद के लाए होंगे तो उसका पैसा लगा ही है, लेकिन यहाँ किसी को पड़ी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि महानगर पालिका आयुक्त कर क्या रहे हैं, महानगर पालिका आयुक्त को इन चीजों की मालूमात भी है या नहीं है। ये आप देख सकते हैं पूरे ट्रैक के ऊपर क्रैक है और ये पब्लिक के लिए खुला हुआ है। अगर यहाँ हादसा हो जाए, कुछ बड़ा हादसा हो जाए कभी, तो उसका जिम्मेदार कौन? ये देखिए, इसका क्रैक आपको साफ दिखाई दे रहा है और ये तालाब जो है पूरा का पूरा, ये कहा जाए कि अपनी दुर्दशा पे रो रहा है, तब भी सही है। दोस्तों, ये वसई विरार महानगर पालिका हमारी, आप देखिए रेलिंग टूटा हुआ है हमने दिखाया, और किस तरह से रेलिंग के बाद में ट्रैक में क्रैक हमने दिखाया, यह है असल वसई विरार महानगर पालिका। आपका नाम? अल्पेश। अल्पेश जी, क्या कहेंगे, ये आलचोले तालाब में आप वॉकिंग कर रहे हो, आपको कैसा अनुभव हो रहा है?
सबसे ख़राब। मैं आजू बाजू के बहुत मतलब अपने नज़दीकी सिटी है, थाना है, कल्याण है, डोंबिवली है, इवन बदलापुर अंबरनाथ भी देखे, छोटे छोटे जो भी है उससे सबसे सबसे मतलब देखा जाए ना, तालाब देखो, फुटपाथ देखो, फुटपाथ भी आप बाहर देखोगे सब टूटी फूटी हुई है, कचरे के ढेर लगे हुए सब जगह। यहाँ तालाब में जो कहीं रेलिंग टूटे हुए, कहीं पे ट्रैक टूटा हुआ, उसके बारे में क्या? कोई मतलब मेंटेन है ही नहीं, मेंटेनेंस है ही नहीं कुछ भी। आप देखिए इसके लिए रास्ता बंद करके दिया है कि पब्लिक आवे जावे नहीं, यहाँ से भी नहीं, आगे भी रास्ता बंद किया था अभी। सॉल्यूशन है कि उसको वो तो बनाना ही जरूरी है, लेकिन कौन ध्यान देगा, उनको इसकी पड़ी नहीं है। जब भी चुनाव आएगा तभी थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर करेंगे थोड़ा, बाकी ये तो अभी कुछ ठिकाना है नहीं। दोस्तों आप देख रहे थे कि वैसे महानगर पालिका की ये जो हालात हमने आपको दिखाया, इस वीडियो को इतना शेयर करो, महानगर पालिका तक पहुंचे अधिकारियों को, हालांकि महानगर पालिका कार्यालय यही है, उनको रोज यहाँ से ऊपर से बैठ के दिखता होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें जो बंद की हुई है, तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि उनकी आंखें खुले और वसई विरार महानगर पालिका की जो जनता है उसके टैक्स का पैसा, जो जनता अपना टैक्स चुका रही है उसका मिसयूज बंद हो और वो पैसे का एक एक रुपए का फायदा महानगर पालिका वासियों को मिले। आज के लिए इतना ही। नालासोपारा आंचल से शुक्रिया।